नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक नेक बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे लेस ली हुई है और ये है हमारे पास फ्रंट। तो सबसे पहले हमें नेक लाइन कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ली हुई है। तो पेपर पेस्टिंग में यहाँ पे जो हमें ब्रॉड लेंथ रखनी है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ब्रॉड लेंथ यहाँ पे रखेंगे 4.5 इंच तक, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे जो हमें फुल लेंथ रखनी है डिजाइनिंग की, ये रखेंगे हम तकरीबन 14 इंच तक, इस तरीके से। और जितना हमने यहाँ पे लिया है, जैसे यहाँ पे 4.5 लिया है, तो हम नीचे की साइड यहाँ पे 3.5 इंच लेंगे। इस निशान को इस निशान से इस तरीके से जोड़ लेंगे और इसी निशान पे हमें कटिंग करनी है। जो भी हम कटिंग करते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, एक एक पॉइंट पे बिल्कुल ओके रहनी चाहिए। इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग से बना रहे हैं आज। तो ये देखिए, नेक लाइन ये वाली हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा बीच का पार्ट बचता है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, इस तरीके से ब्रॉड लेंथ का फिर से निशान लगाना है। ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे हम 3.25 इंच तक, ऐसे 3.25 इंच रखेंगे। और यहाँ पे जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 7.5 इंच। और यहाँ से हमें वी कट का निशान लगाना है, सिंपल आप वी कट यहाँ पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें ऊपर की साइड राउंड शेप देते हुए निशान कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे बीच से भी कटिंग कर लेंगे। इसके दो पार्ट बनाने हैं आपको। तो ये देखिए, ये दो पार्ट हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाली नेकलाइन है इसको चिपकाना है। इस नेकलाइन को कपड़े के ऊपर चिपकाना है, इनको अभी नहीं चिपकाना है, ये हम बाद में बताएंगे, पहले हम पिन टैक्स का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली नेकलाइन हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेकलाइन जो है अच्छे से पेस्ट कर ली है। पेस्ट करने के बाद बाहर वाला कपड़ा भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम इस नेकलाइन को यहाँ पे फ्रंट में सिंपल तरीके से तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल गला तैयार किया जाता है, वैसे ही हम इसको सेंटर पॉइंट में रख के यहाँ पे पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेकलाइन तैयार कर ली है स्क्वायर में। इसके बाद हमें यहाँ पे लगानी है लेस। तो ये लेस लगा लेंगे हम तीनों साइड में, इधर भी और इधर भी और इधर भी। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लेस जो है कंप्लीट कर ली है तीनों साइड में। अब हमारे पास जो बीच वाले पीस थे जो हमने कटिंग किए थे, एक इस साइड का और दूसरा हमारा इस साइड का, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है दोनों पीस होंगे। तो हमें यहाँ पे कटिंग करनी है कपड़े में से। कपड़े में से कैसे कटिंग करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ये पीस रखना है इस तरीके से, ऐसे। इसके ऊपर भी हमने स्पेस छोड़ना है, नीचे भी स्पेस छोड़ना है। तकरीबन तकरीबन हम नीचे की साइड यहाँ पे 3.5 से 4 इंच का स्पेस छोड़ेंगे, ये देखिए। और ऊपर की साइड हमें यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का स्पेस छोड़ना है। और इसके भी हमें दो भाग रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें करना है पिनटेक्स का काम। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको इस तरीके से मिला लेते हैं और यहाँ पे पिनटेक्स के लिए हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, हल्की हल्की दूरी पे ऐसे निशान लगाएंगे। ये दोनों पे हम बराबर बराबर निशान लगाएंगे यहाँ पे आगे तक। तो ये देखिए, हमने ऊपर तक यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब हम हर निशान पे इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे क्रॉस करते हुए। यहाँ पे निशान पे फोल्ड लगाना है और पिनटेक्स डाल देना है। इसके बाद दूसरे निशान पे फोल्ड लगाना है और यहाँ पे भी पिनटेक्स डाल देना है।
इसी तरीके से हम सभी निशानों पे पिनटेक्स डालते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड में इस तरीके से ये पिनटेक्स का काम अपना कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे जो हमारी पास पेपर पेस्टिंग वाला पीस था, जो हमारा अंदर से निकला था गले के बीच से, उसको हमें पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। इसे पेस्ट करने के बाद अब हमें दोनों को यहाँ पे बराबर जोड़ना है, ऐसे यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखेंगे यहाँ पे और सेंटर से जोड़ेंगे। यहाँ पे इस सिलाई को हम इस तरीके से चीर लेंगे। इसके बाद नीचे की साइड एक पीस रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहां से हमें सिलाई की शुरुआत करनी है और इस पॉइंट पे ले जाके यहाँ पे हमें पूरा करना है। देखिए हमने नेकलाइन जो है अपनी यहाँ पे तैयार कर ली है और नीचे की साइड हमारी ऐसी रहेगी और सीधी साइड हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगी। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट ज्वाइंट करना है, तो सेंटर का निशान लगा लें यहाँ पे, ध्यान रखें इस तरीके से, और बिल्कुल बराबर रखते हुए इस तरीके से पहले देख लें, अच्छे से इसको सेट कर लें। और जितनी हमने ब्रॉड लेंथ यहाँ पे ली थी उतना ही हमें यहाँ पे रखना है और इसको स्टिच कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो पैच है अपना अटैच कर लिया है और आप देख ही रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल सा हमारा यहाँ पे डिजाइन बन करके तैयार हुआ है। सेंटर पॉइंट में हमने यहाँ पे छोटे छोटे ये मोती लगा दिए हैं दो दो करते हुए, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पूरी नेकलाइन आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी सी बन करके यहाँ पे तैयार हुई है। इस तरीके से आप भी प्लेन प्रिंटेड कुर्ती को एक बहुत ही सुंदर सी लुक दे सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।